वो वीडियो मेरी काफ़ी वायरल हुई है, काफ़ी शेयर हुई है। तो वो जेड़ा मेरा जिसम मेरी मर्दी वाली लड़कियां हैं वो सारे मेरे खिलाफ हो गई कि ये पाकिस्तान दे विच रहा है कि ये बंदा यह काम कर रहा है। तो इस वजह तो यह अज मैं हथकड़ी दे विच हां, क्योंकि मैं एक अच्छा मैसेज दिता, एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की। फिर तुहाडे साहब ने जिन्ना भी मामला बनया, मीडिया वाले ने मैनू चुकया, इतों तक मैं फिर पहुँच गया। तुसीं इस चीज़ नूं देखिया होना कि वीडियो के दरम्यान ना मैं किसी नूं टच किया, वीडियो के दरम्यान किसी नाल मैं एडी बदतमीजी नहीं की, सिर्फ खड़े होकर मैं गल की कि ए मेरी भैन, ए मेरी भैन, ए सिर्फ अगर देखो ए मेरी चीज़ गलत है, मैं अगों बेहतर करने की कोशिश करांगा। क्योंकि मैं मैसेज हमेशा देंदिया रहना कि मैं पाकिस्तानी हाँ, मैं इस मुल्क का शहरी हाँ, अगर मैनू कोई गलत चीज़ नज़र आएगी, गलत चीज़ देखांगा, मैं वो उस चीज़ नूं अच्छा करने की कोशिश करांगा और अच्छे तरीके नाल मैसेज देने की कोशिश करांगा। जे तुहानू साडा चैनल ते साडी वीडियो पसंद आई है ते साडा चैनल सबसक्राइब करो ताकि साडियां आने वाली नवीं वीडियो तुहानू बर वक्त मिलदी रहन। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, तुहाडी खिदमत च हाज़र है तुहाडा होस्ट बाबर बेग और तुसीं वेख रहे हो अपना ABHD TV। नाज़रीन, मैं मौजूद हाँ जी थाणा गखड़ पुलिस स्टेशन गुजरांवाला, तो नाल जनाब खान अली ये पुलिस की हिरासत च ने कि जिस तरह तुम देख रहे हो कि इन्हों कड़ियाँ लगिया ने, लेकिन इन्हें जुर्म जोड़ा जोड़ा आयद किया गया ये किया गया कि प्रैंक स्टार ने और इन्होंने खवातीन जड़िया ने उन्होंने कुछ ऐसे प्रैंक किए ने कि जिदी वजह तो इन्हें FIR जी वो दर्ज हुई है। वो असी खान अली साहब पुछांगे कि ऐसिया प्रैंक इन्होंने किड़े बनाए ने, क्योंकि असी बजाते खुद जोड़े चैनल वाले लोग हाँ, सानू वेखण दा मौका बहुत घट मिलता है। सो आ के असी इत्थे जिहड़े अफसराने वाला ने उन्हां नाल भी कोशिश करांगे गल करन दी कि असल मामला हकीकत की है, और असी खान अली साहब नाल भी गल करनी चाहवांगे कि है। मेरे नाल मेरे बहुत ही सीनियर भाई शौकत रंगीला साहब, और असी इन्हां दा पता लैण भी आए सां, लेकिन असी कहा कि इन्हां दे जिहड़े कमेंट्स ने, इन्हां दे जो मामलात ने वो भी सामने लियांदे जाण कि हकीकत की है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। जी खान अली साहब, की प्रॉब्लम बने थोड़े नाल लगा दे तो तुहानू थाने बंद कर दिता गया? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, मेरी एक वीडियो वायरल हुई है दुपट्टा प्रैंक, जिहड़ी मैं कुछ 2 या 2.5 महीने पहला एक अपलोड की सी वीडियो। वो मेरी वीडियो का इशू उठाया गया कि ये लड़कियां नू दुपट्टा दे रहा है, तो क्यों दे रहा है, ये कौन होंदा है कि ये इस मुल्क का मामा है कि जिहड़ा ये वीडियो के अंदर लड़कियां नू दुपट्टे दे रहा है। वो वीडियो मेरी काफ़ी वायरल हुई है, काफ़ी शेयर हुई है। तो वो जेड़ा मेरा जिसम मेरी मर्दी वाली लड़कियां हैं वो सारे मेरे खिलाफ हो गई कि ये पाकिस्तान दे विच रह कि ये बंदा ये काम कर रहा है। तो इस वजह तो यह अज मैं हथकड़ी दे विच हां, क्योंकि मैं एक अच्छा मैसेज दिता, एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की। फिर तुहाडे साहब ने जिन्ना भी मामला बनया, मीडिया वाले ने मैनू चुकया, इतों तक मैं फिर पहुँच गया। लेकिन लड़कियों का कहना यह भी जी कि इन्हों का जोड़ा तरीकाकार है वह दुरुस्त नहीं सी, जो मैं हूँ तक जान रहा या सुन रहा, वो कहते हैं जी सानू दुपट्टे का क्या है ना, या लोग भी कमेंट्स कर रहे हैं, वो कहते हैं जी दुपट्टे का कहना अच्छी गल है, एक पॉजिटिव गल है, लेकिन इन्हों का तरीकाकार जोड़ा वह दुरुस्त नहीं सी, वो गलत सी। देखो जी, मैं देखिए उस तुसी वीडियो पूरी वेखी होनी है, तुसी इस चीज़ नूं देखिया होना है कि वीडियो के दरम्यान ना मैं किसी नूं टच किया, वीडियो के दरम्यान किसी नाल मैं एडी बदतमीजी नहीं की, सिर्फ खड़े होकर मैं गल की कि ए मेरी भैन, ए मेरी भैन, ए सिर्फ दुपट्टा अपने सिर पर रख, तेरा पूरा वजूद नज़र आ रहा है। जिथे ए गल हुई है उत्थे असां ट्यून लगा दी है कि पब्लिक नूं ज़्यादा गल का पता ना लगे। हुण तो देखो असी पाकिस्तानी हाँ, कोई इसराइली नहीं, ये साडा फर्ज है। अगर किसी की धी भैन नूं कोई गल करना, मैं मैसेज देने की कोशिश की है अपने वालों, मैं बड़ी अच्छी कोशिश की है, पर कोई ऐसे दोस्त ने जिन्हां नूं इस चीज़ तो बुरा लगा कि इन्हें यह वीडियो क्यों बनाई। ठीक है, लेकिन वो 1000 रुपये वाला की चक्कर, वो कहते जी 1000 रुपया धक्के नाल हर लड़की नूं की, मतलब जिहड़ियां खवातीन जिहड़ियां कपड़े पा रही ने, अच्छी ड्रैसिंग पै के जा रही ने, मतलब दूसरा वो कहते हैं जी खौफजदा, यानी कि हरासा किया गया कि खवातीन की पाबंदी जी है वह खतरा तो हलाक हो गई है, कि मतलब बाहर खवातीन निकल गई हैं, इस तरह के प्रैंक होंगे तो फिर उन्होंने मतलब जो प्रॉब्लम बनेगा उन्होंने वास्ते। देखो जी, मैं किसी को हरासा नहीं किया, मैं सिर्फ एक जी 1000 रुपये वाली गल आई है ना, मैं सिर्फ वो यह क्या है कि देखो जिते तुम इन्ने अच्छे कपड़े पहन सकते हो, तुम यह पैसे लवो, तुम अगर दुपट्टा नहीं लै सकते, दुपट्टा ले लो।
मैं किसी नूं हरासा नहीं किया, मैं सारी मीडिया नूं यही बयान दे रहा कि देखो जी अगर मेरी वजह तो किसी की भैन की या बेटी की या किसी की धी की या माँ की दिल आजारी हुई है मेरी इस वीडियो तो, मैं उन्होंने फिर भी कह रहा कि मैं माफ़ी मांगना अगर किसी नूं मेरी इस चीज़ की दिल आजारी हुई है। मैं फिर भी यही कहूँगा कि मैं एक मैसेज दिता है अपने वालों, बहुत अच्छा मैसेज दिता सी। देखो अज वो मैसेज पूरी दुनिया से वायरल होया है, किसी ने अच्छा किया है किसी ने बुरा किया है। अच्छा ठीक है, लेकिन हुण की तुहाडे ते कार्रवाई की हुई है, की तुहाडे ते FIR कटी गई है, की इहदा अगो तुहानूं की कहा जा रहा है? देखो जी FIR का मैनू तो नहीं इस चीज़ का पता, मैं तो थाने के अंदर हाँ, मैनू FIR का नहीं पता कि मेरे उत्ते केड़ी केड़ी दफा लगी है। इस गल का तुहानूं कोई इलम नहीं? मैनू कोई इलम नहीं। नादरीन इस हवाले नाल असी जिहड़े अफसाने वाला ने उन्होंने भी गल करांगे कि इन्हां ते की आहर जिहड़ी दफात ने वो लगियां ने, और अगला जिहड़ा मतलब वो की इन्हां दा फ्यूचर की है कि इन्हां दी जमानत होएगी, जेल भेज दिता जाएगा, की बनेगा, असी इस हवाले नाल भी तुहानू अपडेट करांगे। भाजी की कहोगे तुसीं इन्हां दे बारे च, मतलब इन्हां दी गिरफ्तारी हुई है? मैं तो बाबा साहब अली खान साहब के बारे च यही कहांगा कि मासूम आदमी है, जे इहने मैसेज दिता है ये मैसेज कोई पुट्ठा पै गया। मैं भी इन्हां नाल कीते ने कोई ऐसी गल नहीं, साढ़े पंजाब की पुलिस एड्डी प्यारी पुलिस है, खुदा की कसम है इन्हों सलूट मारने जिथे आते फनकार की बहुत इज्जत करते, और इन्हें मैसेज दिता है किसी को अच्छा नहीं लगा तो यार असं भी माफ़ी मांगने, इनू मासूम आदमी है यार, खुदा दे नाल इनू माफ़ कर दियो यार, जे को गलती कताई हुई है तो असं भी ये हिस्से की तुहाडे को माफ़ी मांगने, मेहरबानी तुहाडी, जिउंदे रहो। नादरीन तुसी पहला भी वीडियो खान अली साहब के हो चुके ने जनाब, ये क्योंकि साढ़े भाई ने तो फिर असी इन्हों हमेशा साहब कह के बुलाने, लेकिन इस टाइम एक मुजरम ने इन्हों कड़ियां लगिया हुई ने और कानून के शिकंजे च ने। खैर कानून भी जड़ा मतलब साड़ी जी पुलिस है उन्होंने अपना जो फर्ज है वह अदा किया, जो उन्होंने हकामे बाला ने या अफसराने बाला ने, मैं पता लगे कि हाई कमान तो यह आर्डर आए ने इन्होंने जो भी इन्हों मामलात हुए ने, सो है वे कि पिछे कोई ना कोई तो होएगा असल, उन्होंने असं जानने की कोशिश करा। जनाब अपने दफा च कुछ कहना चाहोगे? देखिए जी मैं यही कहना चाह रहा कि अगर देखो ये मेरी चीज़ गलत है, मैं अगों बेहतर करने की कोशिश करांगा, क्योंकि मैं मैसेज हमेशा देंदिया रहना कि मैं पाकिस्तानी हाँ, मैं इस मुल्क का शहरी हाँ, अगर मैनू कोई गलत चीज़ नज़र आएगी गलत चीज़ देखांगा मैं वो उस चीज़ नू अच्छा करने की कोशिश करांगा और अच्छे तरीके नाल मैसेज देने की कोशिश करांगा। कहंदे ने कि फैमिली नाल भी तुसी कहया जी जनाब फोटो बना लो तो पैसे ले लो तो इंज कर लो तो उंज कर लो जी। देखो जी मैं कभी किसी फैमिली नू नहीं कहा, मेरे कम से कम 200-250 के करीब मेरे प्रैंक ने, मेरा अज तक कोई ऐसा इशू नहीं आया। हुण जिहड़ा टिकटॉक वाला जिहड़ा मामला है वह 2 साल पहला का मामला है, वह अज इशू होया है, दुपट्टे वाली वीडियो आई है तो इशू निकलिया है। देखो जी पहला तो लोग वेख रहे सन, मैनू पसंद कर रहे सन, मैनू लोगों ने काफ़ी नहीं कहा यार इहदा 4th पार्ट भी बना, 5th पार्ट भी बना, क्योंकि मैं चाहना वा कि मैं मैसेज दवा। वो टिकटॉक वाला जिहड़ा मेरा सी वह एक वह भी एक मैसेज सी वह टिकटॉकरां नू, जिन्हां दियां बेटियां जिन्हां दियां मावां जिन्हां दियां भैणां बह के दुपट्टे उतार के अपने जिसम की नुमाइश करके वो टिकटॉक बनांदियां ने, मैं ये मैसेज उन्हां औरतां से दिता सी कि देखो जी टिकटॉक ते फहाशी ना फैलाओ, क्योंकि तुसी एक औरत हो, एक लड़की हो, एक किसी की धी हो, किसी की भैन हो, मेरी तो कोशिश सी कि फेम लैना से तुसी अपने आप नूं ना जाहर ना करो। बस वो वीडियो मेरे को बन, वो भी मेरे को वीडियो बनी है, ज़्यादातर जिहड़ा इशू है मेरा वो दुपट्टा प्रैंक है मेरा, तुसी वो देख लवो, उहदे विच ना मैं किसी नूं टच किया है ना मैं किसी का दुपट्टा उतारिया है, मैं एक फासले ते रह के गुफ्तगू की उन्हां नाल, सिर्फ पैसे देने का मतलब यह सी कि तू अगर 2000 का या 4000 का सूट पाए है तो तू 500 का दुपट्टा भी लै सकती हाँ। ठीक है, अच्छा फाइनली सर मैं तुहाडे कोलों एक सवाल करके होर तो फिर इजाजत चाहवांगा, मैं तुहानूं यह पुछना चाहना वा कि जिहड़ी तुसीं यह वीडियो बनाईआं मतलब तुसीं उह फैमिली नाल वीडियो कीता या लड़कियां दे दुपट्टे वाला वीडियो कीता, ਇਹਦੇ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਂਕ 'ਚ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਂਕ ਦੇਖੋ ਉਸ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਂਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਦੁਪੱਟੇ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ।
ठीक है, एक लास्ट सवाल थे, उस तो बाद जनाब असीं नूं खत्म करांगे। मैं तुहानूं इह पुछना चाहुंदा वां कि इह तुसीं तुहाडा सिलसिला खत्म हो जांदा है, जो भी तुहाडा प्रोसैस चलदा है, जिस तरह भी तुसीं कल नूं फिर वीडियो करदे हो, प्रैंक बनांदे हो, तो की तुसीं फिर लड़कियां नाल वीडियो बनाओगे? देखो जी, लड़कियां नाल अगर मैं वीडियो बनावांगा ना, तो मैं वो तमीज़ इदारे च रह के करांगा काम। मैं इस तरह का काम नहीं करांगा, क्योंकि मेरा एक चैनल है सहारा बनो। सहारा बनो दे विच अल्लाह पाक ने मैनू बड़ी इज्जत नाल नवाजे है। मैं इस चीज़ नू भी हमेशा नज़र रख के काम करना कि देखो जी, अगर मैं जाके किसी की शादी है, किसी की धी की या किसी की भैन की, उसके सिर पर जाके मैं हाथ रखना वा उस चैनल पर, तो इस चीज़ को मैं हमेशा नज़र रख के मैं काम करना वा कि नहीं यार, मेरा एक दूसरा चैनल है जिथे कई ऐसे जड़िया मेरिया भैन ने जिन्हों के सिर पर पाप नहीं, जिन्हों के सिर पर माँ नहीं, उन्होंने सिर के हाथ जाके मैं रखना। मेरी कोशिश होंगी है कि नहीं यार, इस धी को मैं ये जो भी खर्चा आएगा मैं खुद लगाव, मेरे नाल कुछ साथी ने वो खर्चा लगाते हैं। तो देखो, मैं इस चीज़ को हमेशा नज़र रख के काम किया है। अगर चलो गलती हो गई है, मेरे दोस्तों को रैंक नहीं पसंद आया, नहीं मज़ेदार लगा, मैं कोशिश करांगा कि अगो कोई मैसेज दवा, तमीज़ के दायरे च रह के दवा। नाज़रीन, खान अली साहब की तुम गुफ्तगू सुन रहे हो और ये बारे तुम कमेंट्स करना, ये हकीकत की है, सच की है, की होना चाहिए, ठीक है जी। खान अली का कहना यह वे कि मैं आइंदा अगर जो प्रैंक कराँगा या मैं जो प्रैंक किया, मेरा वह मैसेज है सी, सो ये वे कि मैं ये चाहवागा कि यह फैसला तुम करना है। असी स्पैशली थैंक्सफुल हाँ गखड़ पुलिस से, थाना गखड़ दे उन्होंने जिन्ना भी स्टाफ है, जिन्हें खूबसूरत चेहरे उन्ना ही खूबसूरत तावन, उन्होंने साढ़े नाल बहुत अच्छा तावन किया। साडा स्पैशली सलूट है पंजाब पुलिस वास्ते और थाना गखड़ पुलिस स्टेशन वास्ते, ज़िला गुजराला, उन्होंने साडे नाल भरपूर तावन किया, उन्होंने बहुत शुक्रिया कि सानू उन्होंने गल करन दा मौका दिता जी। नाज़रीन, असी एक ते वेखे काफ़ी असी देर नाल पहुँचे थाने, चूंकि वाकये नूं गालबन दो दिन हो चुके ने, लेकिन असी चूंकि अभी तीसरे दिन पहुँचे हाँ और असी शाम के टाइम पहुँचे हाँ और अफसराने बाला अपनी अपन ड्यूटियाँ मसरूफ ने और मुलाकात साड़ी ना हो सकी। सो ये वे कि अज की वीडियो तुहाडे सामने वे, असी इहदा जज जिहड़ा उह तुहानू, क्योंकि पब्लिक बेहतरीन जज हुंदी है किसी भी गल की, तो और असी तुहाडी राय जिहड़ी है असी चाहवांगे कि तुसी भी अपनी इस बारे च राय देना, तुसी भी अपनी राय देने का हक रखते हो, अपनी राय दे जज हो, तो सो है वे कि यह फैसला बेहतरीन जिहड़ा पब्लिक करती है, तो तुसी ये फैसला करना कि आया कि यह प्रैंक ठीक सन या गलत सन, किस हद तक खान अली ठीक है या नहीं ठीक, या आइंदा इहो जे प्रैंक बनने चाहिए ने या नहीं बनने चाहिए। तो अगर जिन्हां बच्चियां नूं भी इस गल का इतराज़ है, अगर वह भी साड़ी वीडियो देखण, वह भी अपने कमेंट्स देन, अगर इस हवाले नाल गल भी करना चाहन, तो साडा प्लेटफॉर्म हाज़र है, असी इंशाल्लाह उन्हां दी भी जिहड़ी आवाज़ है, उन्हां दी भी जिहड़ी गल है, असी उह पहचाण वास्ते तैयार हाँ। इहदे नाल तुहाडा होस्ट बाबर बेग तुहाडे कोल इजाजत चाहेगा, फिर इंशाल्लाह तुहाडी खिदमत च हाज़र होवांगा किसी नवीं वीडियो नाल। उदों तक इजाजत दिओ, पाकिस्तान जिंदाबाद।